Hello learners, welcome to my channel Combined CS The Extra Step. Previous turn पे मैंने आपको graph and discrete से related December 2019 के questions upload किए थे. I hope आपने अपने NPOs को solve किया होगा और अगर नहीं भी solve किया होगा तो आज मैं उसका solutions provide करने वाली हूँ. So coming to the first question. पहला question मैंने आपको ये दिया था कि consider a weighted graph जिसमें shortest distance given है और आपको कुछ और डिस्टेंस u एंड v वर्टिसेस का गिवन है और आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द अपडेटेड वैल्यू ऑफ डिस्टेंसेस. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे करेंगे. अगर सपोज आप ये देखो, पहले तो आपको यहाँ पे ग्राफ का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए. तो ग्राफ एज वी ऑल नो कि आपके डिफरेंट सेट्स ऑफ नोड्स होते हैं, अगर आप उसको कनेक्ट करेंगे तो वो एजेस का फॉर्मेशन लेगा. तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि एक सोर्स है, ठीक है. तो हमने क्या किया, एक वर्टेक्स बना लिया जिसको हमने सोर्स मान लिया. उसके बाद उन्होंने ये बोला कि उसको हम रिप्रेजेंट करें डी ऑफ एक्स से. तो यहाँ पे ये जो सोर्स है इसको सपोज मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया. उसके बाद ये बता रहा है कि यहाँ पे डी ऑफ वी मतलब डिस्टेंस ऑफ एक वी वर्टेक्स है जिसका है 29. तो सोर्स से अगर मैं वी वर्टेक्स पे जाऊंगी तो इसका डिस्टेंस इन्होंने क्या दिया, 29. उसके बाद इन्होंने बोला डिस्टेंस ऑफ यू 15 गिवन है. तो उसी सोर्स से अगर आप यू पे जाएंगे तो उसका उन्होंने 15 दिया है. उसके बाद इन्होंने ये बताया है जो वेट है यू और वी का वो 12 है. तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे यू और वी को जब कनेक्ट करेंगे तो इसका वेट 12 आ जाएगा. अब इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द अपडेटेड वैल्यू ऑफ डी वी बेस्ड ऑन करंट इन्फॉर्मेशन. मतलब ये क्वेश्चन इतना ईजी था, इन्होंने ये पूछा कि ये जो डी वी है इसका करंट अपडेटेड वेट क्या होगा और हमें क्या फाइंड आउट करना है, शॉर्टेस्ट. तो अभी देखिए, आप तो एक डायरेक्टली कह सकते हैं कि ठीक है क्वेश्चन में तो ये डीवी दिया है 29, तो हमें फिर से क्यों ढूंढना. तो 29 तो है, पर इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको अपडेटेड पूछना है और वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए. तो अगर आप देखो, हम सोर्स से यू पे गए और यू से वी पे गए, अगर दोनों को हमने एड किया तो हमें क्या मिल रहा है, 27. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 27 हो जाएगा. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, समझना है और इम्प्लीमेंट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने फिर से ग्राफ का किससे रिलेटेड पूछा है, क्ली से रिलेटेड पूछा है कि एक क्ली है जिसमें इन्होंने पूछा है कि वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें वो क्या है, सबसेट है वर्टिसेस का. तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसमें एक्चुअली उन्होंने उस जो क्ली क्वेश्चन में गिवन है इसके प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछा है. तो हम इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. तो क्ली क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ सच दैट एवरी टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेस इन द क्ली आर एडजेसेंट सो दैट वो क्या फॉर्म कर रहा है, कम्प्लीट. तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, वन इज एडजेसेंट होगा और सेकेंड इज कम्प्लीट. तो सपोज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से क्लियर किया, ये ग्राफ गिवन है, ठीक है. इस ग्राफ में अगर हम ये देखें तो आप सपोज अगर ये वाला ट्रायंगल ले लो, ठीक है, ये ट्रायंगल अगर ले लेंगे तो अपने को मालूम है ये ट्रायंगल क्या है, K3 फॉर्म करता है. K3 मीन्स व्हाट, कि ये कंप्लीट ग्राफ है जिसमें तीन वर्टिसेस है, तीनों की डिग्री क्या है, 2 है. तो इस वजह से ये कंप्लीट ग्राफ है. और इसमें आप देखो, अगर मैं ए को लू तो ए बी से भी कनेक्टेड है और सी से भी कनेक्टेड है. इट मीन्स ये एडजेसेंट है, इवन सारे आपको एडजेसेंट होने चाहिए. अगर B को लेंगे तो B भी A का एडजेसेंट है और C का एडजेसेंट है, इवन C वो A और B का एडजेसेंट है. इट मीन्स व्हाट, कि अगर इसको हम अगर सेपरेट बनाएंगे तो ये क्या है, इस पूरे ग्राफ का एक सब ग्राफ हो गया. और ऐसा सब ग्राफ जो अपने आप में कंप्लीट भी है और उसके सारे वर्टिसेस एडजेसेंट है. तो दैट्स व्हाई अगर हम आंसर देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या खुद से बता दिया है कि जो आप वी ले रहे हो वो सबसेट है पूरे वर्टिसेस का और होना क्या चाहिए, वो कनेक्टेड होना चाहिए. इस तरीके से इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा. इसमें मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि अगर दिसंबर 2019 में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो हो सकता है वो आगे आपसे ये पूछे कि हम कैसे मैक्स क्लू फाइंड आउट कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट सेट क्या होगा. तो किसी भी ग्राफ में मैक्स क्लू क्या हो जाएगा कि सपोज ये एक जो ग्राफ गिवन है इसमें एक क्लू तो मैंने फाइंड आउट कर लिया K3 है, दूसरा अगर हमें दिख रहा है तो ये भी एक सेकेंड सब ग्राफ है बी सी डी ई. और आप इसको देखेंगे तो ये आपस में क्या कंप्लीट ग्राफ है K4, जिसमें आप देखो बी डी सी ई सबके एडजेसेंट है. इवन अगर आप सी को देखोगे तो सी से भी ये सब कुछ जुड़े हुए. कंप्लीट होने का मतलब ही है कि ईच एंड एवरी वर्टिसेस आपस में एडजेसेंट होंगे.
तो इस तरीके से आपको टोटल नंबर ऑफ इस ग्राफ में वैसे सब ग्राफ ढूंढने पड़ेंगे जिस जो कंप्लीट हो, ठीक है। और इसी ग्राफ में इंडिपेंडेंट सेट अगर आपसे पूछेगा तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे ग्राफ जो आपस में नहीं जुड़े हों। तो अगर हम ये देखें यहाँ पे जो वर्टेक्स 1 है और वर्टेक्स 3 है ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन इसमें डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। तो आप एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए और समझिए कि उससे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ग्राफ थ्योरी में कि हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और अपर बाउंड के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछा, जो बेसिकली लैटिस का कॉन्सेप्ट है। तो इसे हम देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया, ये एक कोसेट है जो कि डिवाइड ऑपरेशन पे परफॉर्म करेगा। तो अभी आप देखो उस क्वेश्चन में जो पहला आपको सेट दिया 3, 9, 12, तो अगर मैं 3 से शुरू करूँ तो 3 किसको डिवाइड करेगा, 9 को, ठीक है, और 3 किसको डिवाइड करेगा, 12 को। तो मतलब जो 3 है इसका अगर आप डिविजन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उसको हमको एक हायरार्की एक ट्री फॉर्म में बनाने का है। तो 3 9 को डिवाइड करेगा तो 3 नीचे आएगा और 9 ऊपर जाएगा, और बिकॉज कि 9 12 से नहीं जुड़ा है, वो 12 को नहीं डिवाइड करता, इसलिए 3 से इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ने पूछा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लोअर अपर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड मतलब नीचे वाला, इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, तो 3 ही है, सिंगल है, तो यहाँ हमने 3 लिखा। लोअर अपर बाउंड, तो लोअर अपर बाउंड अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पे 9 और 4 हाईएस्ट वैल्यू है, बट यहाँ पे दो और कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देती हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम का और एक होता है मैक्सिमल का। तो मिनिमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू और मैक्सिमल मतलब सबसे बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे मिनिमम तो 3 होगा और मैक्सिमम क्या हो रहा है, 9, 12, मतलब जितने भी एक हॉरिजेंटल स्पेस में जो भी एक साइड के हैं वो सारे आपके मैक्सिमम हो जाएंगे। बट लोअर बाउंड मैंने 5 को लिखा बिकॉज एक प्रॉपर्टी होता है लोअर अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का कि इसकी वैल्यू हमेशा ही यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे 9 और 12 दोनों मैक्सिमम है, ठीक है, और दोनों आपस में जुड़ा भी हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि 12 मैक्सिमम है या फिर 9 इंडिविजुअल मैक्सिमम है, नो, वो रॉन्ग हो जाएगा। दोनों मैक्सिमम तो है बट वो लोअर अपर बाउंड नहीं है, दैट्स व्हाई ये 5 हो जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, सिर्फ अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व किया हमें क्या मिला, 3, इसके ऊपर हमें मिला 9 और इसके नेक्स्ट हमें मिला 12, ठीक है। तो अब ऑप्शन आप देखो, ऑप्शन में क्या बोला, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 है ए का, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। उस बाद ये दोनों ऑप्शन ट्रू हुआ। उसके बाद इन्होंने पूछा लोअर बाउंड इस बार 36 से 12 है, तो हो सकता है आपने एग्जाम में ये मिस्टेक किया होगा कि आपने देखा 12 और आपने 12 लगा दिया। तो यही तो ट्रिक था इस क्वेश्चन में कि आपका लोअर बाउंड हमेशा यूनिक होना चाहिए, और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया कि 9 और 12 दो वैल्यू है, इसलिए लोअर अपर बाउंड 12 नहीं हो सकता है। 12 क्या है, वो मैक्सिमल है, ठीक है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम इसको देखें, बी को देखें, तो बी को देखो आपने 1 लिया, 2 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, फिर उन्होंने 4 बोला, तो 4 किससे, 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, तो हम 2 के ऊपर 4 को लेके जाएंगे। फिर आया 5, 5 क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं, तो ये 1 से ही कनेक्ट होगा। फिर आया 10, तो 10 को 5 से भी डिवाइडेड, 2 से भी डिवाइडेड, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे बना दिया। अब यहाँ पे आप देखो मिनिमम तो एक ही है, ठीक है, तो मिनिमम क्या आया अपना 1, और बिकॉज कि ये यूनिक है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी 1 हो जाएगा। बट यहाँ पे फिर से 10 और 4 हायरार्की में एक ही पोजीशन पे है, तो एक ही पोजीशन पे है, तो ये आपका लोअर बाउंड यहाँ पे यूनिक होना चाहिए, बट फिर से यूनिक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तो फिर से कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि 10 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पर इसमें डाउट आपको ये हो सकता है कि 36 और 20 तो क्वेश्चन में ही नहीं दिया है, फिर कैसे होगा। तो ये आप एज्यूम करके चलोगे, जो 36 है, 36 एक ऐसी वैल्यू है जो 9 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। तो अगर ये डायग्राम हम बनाएंगे तो हमको एक लोअर बाउंड मिलेगा जो कि यूनिक है, करेक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने 4 चीजें डिस्कस की, व्हाट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, व्हाट इज अपर लोअर बाउंड, और मैक्सिमम कैसे हम फाइंड आउट करते हैं और मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये क्वांटिफायर्स का गिवन था, इसमें उन्होंने ये पूछा था दोनों नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंट है तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 3 ट्रू होगा। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप ये समझो कि यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, इन्होंने एक क्वेश्चन में ये बताया है कि आपको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है और एक आपका फॉर ऑल है,
तो फॉर ऑल के साथ जब भी आप और ऑपरेशन करेंगे तो वो हमेशा इसके इक्विवेलेंट नहीं होता है। नहीं होने का रीजन ये आप ये समझो कि फॉर ऑल वैल्यू पी ऑफ एक्स यूनियन क्यू ऑफ एक्स, तो सपोज ये मैंने वन ले लिया, अपनी को मालूम है जो यूनियन ऑपरेशन है वो अगर एक भी ट्रू होगा तो सामने वाला ट्रू हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और अगर ये ऑप्शन ले तो इस ऑप्शन में फिर से हमें नहीं मालूम था कि ये किस वैल्यू के लिए ट्रू हुआ, तो आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ये कौन सी वैल्यू के लिए ट्रू हुआ। दैट्स वाई अगर आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तो और ऑपरेशन के साथ वो इसके इक्वल नहीं होगा। और वहीं पर अगर मैं इसका रिवर्स देखूं, अगर फॉर ऑल आपका कंजक्शन के साथ है, मतलब एंड के साथ है, तो एंड में अपने को मालूम है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसको ट्रू होने के लिए इसको भी ट्रू होना ही पड़ेगा, मतलब ये कंपलसरी हो गया। तो अगर ये कंपलसरी हुआ इट मीन्स कि हमको ऐसा मालूम है कि कोई एक वैल्यू तो है जिसके लिए ये ट्रू है, और यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे भी सेम होगा। इट मीन्स कि आप ऐसा इन्फर कर सकते हो कि अगर हम इंडिविजुअली भी देखें तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे से मैंने कंक्लूजन प्रोवाइड किया है कि अगर डिसजंक्शन है मतलब और है तो आपका कंडीशन फॉल्स होगा। किसके केस में? फॉर ऑल के केस में। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, और अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आप ऐसा मुझे कमेंट में लिखे तो मैं इसका फिर आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्वांटिफायर्स का हम इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। पर ये दोनों स्टेटमेंट जो लिखा और नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बिकॉज आप समझो यहाँ पे फॉर ऑल एक्स है और यूनियन फॉर ऑल ये, तो सपोज अगर मैंने इसको वन ले लिया तो मुझे इसका वैल्यू ही नहीं मालूम, क्योंकि अगर ये वन है तो ये तो ट्रू हो गया। सिमिलरली अगर ये यहाँ पे इसका यूनियन है तो यूनियन है तो किस वैल्यूज के लिए है, तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे भी कुछ और ले सकते हो, तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं सेम है, इसको हम लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे, दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सिमिलरली ये जब नॉट का केस है, मतलब ये आपका एंड ऑपरेटर है, तो एंड में ये बोल रहा है कि आपका यहाँ पे सपोज मैंने देयर एग्जिस्ट एक्स, सपोज मैंने ये वन ले लिया, ठीक, और ये एंड है तो ये ट्रू कभी होगा? जब यहाँ पे भी वन हो, तो अपने को मालूम है कि दोनों वन होगा तो ही ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये किसी भी ऑपरेशन के लिए ट्रू नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देयर एग्जिस्ट लिख रहे हो तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स सपोज मैंने वन ले लिया या मैंने टेन ले लिया, कुछ भी ले लिया, इंटरसेक्शन ये, तो ये कभी ट्रू होगा, इसके लिए इसको 10 होना कंपलसरी है। बट इसने लिख दिया देयर एग्जिस्ट, मतलब क्या मैं 11 ले लूं तो क्या इसके लिए ट्रू होगा? नहीं होगा ट्रू। तो इस तरीके से आप खुद से सोचना है कि देयर एग्जिस्ट मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो, पर फॉर ऑल का मतलब कि आपको एग्जैक्टली वही वैल्यू लेना पड़ेगा, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होता है। लास्ट क्वेश्चन था ग्राफ थ्योरी में, जिसमें आपको डिफरेंट वर्टिसेस गिवन है, उसकी डिग्री गिवन, और आपको फाइनली पूछा वर्टिसेस एंड एजेस क्या है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जिसमें हैंड शेकिंग थ्योरम पे बेस्ड था। अगर हम थ्योरम ना भी देखे, थ्योरम अगर हमें सपोज नहीं भी याद करना है, तो आप सिंपल समझो एक ट्री है, ट्री में उसने दिया आपको वर्टिसेस कितने गिवन है, एक 2n वर्टिसेस है, 3n वर्टिसेस है, n वर्टिसेस है, और सबकी डिग्री गिवन है, ठीक है। तो अपने को मालूम है कि अगर कोई ट्री है, ट्री में वर्टिसेस अगर n है तो एज कितने होंगे, n माइनस वन। कैसे? मैंने यहाँ डायग्राम में देखिए बताया है कि आपको अगर सपोज एक सिंगल नोड है तो यहाँ पर नोड कितना हो गया, वन, पर एज कितना है, जीरो, ठीक है। अगर मैंने नोड दो ले लिया तो एज कितने, वन। तो इस दो एग्जाम्पल से भी आपको ये याद करने की जरूरत नहीं थी कि वर्टेक्स अगर एन है तो एज एन माइनस वन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने दिया कि हर वर्टेक्स की डिग्री गिवन है, तो अगर ये आपको थ्योरम मालूम था तो आप टोटल वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल वर्टेक्स आपके हो जाएंगे 6n, और एजेस अपने को कितने हो जाएंगे, 6n माइनस वन। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि जितनी भी डिग्री है अगर उसका आप सम करोगे तो वो इसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे डिग्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको एन की वैल्यूज 2 मिलेगी। तो इस 2 को जब आप ऑप्शन में पुट डाउन करेंगे तो आपको 12 और 11 आंसर मिलेगा, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ग्राफ एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे जो यूनिट 1 में आता है, और इसे 6 to 7 क्वेश्चंस आते ही एग्जाम में, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियरली समझना चाहिए। और अगर ग्राफ पे आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो आप ऐसा कमेंट में लिखें, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊं और आपको इजीली वो कॉन्सेप्ट समझ में आए। विद दीस वर्ड्स थैंक यू सो मच।